अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के लिए जगह बदलने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई, साथ ही राज्य सरकार से कई मामलों पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न बस अड्डा गोलापार में ही बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि बस अड्डे के निर्माण में अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं और करीब 2625 पेड़ भी काटे जा चुके हैं। ऐसे में बस अड्डे की जगह क्यों बदली जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।